हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम पूनम मलिक है और आप देख रहे हैं एचआर तेरा इन जर्मनी। वेलकम बैक। वेनिस इज वेटिंग। दिस इज पार्ट टू ऑफ वेनिस व्लॉग। वेनिस हम पहुंच गए थे जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा। अब आगे भाई, वेनिस डूब रहा है, देख लो। ये देखो, यहाँ पे शाम हो गई है और ये पूरा स्क्वायर पानी से भर गया है। और देखो वहाँ आगे तक पानी भरा हुआ है। हमें इस पानी में से होते हुए गुजरना पड़ रहा है। दिस इज वेनिस। ऐसी प्रेडिक्शंस हैं कि वेनिस जो है वो कुछ ही सेंचुरीज और चलेगा, 100-200 साल में भी, उसके बाद ये डूब जाएगा। बिकॉज एज यू नो, सी लेवल जो है अपना पूरी अर्थ का वो बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ऐसी जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, वेनिस है, ये सब डूब जाएंगे एक टाइम बाद। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो फिलहाल, ये इतनी बड़ी इमारत, शायद हो सकता है एक टाइम बाद यहाँ तक पूरी पानी से भरी हो, सबमर्ज्ड हो। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा ज्ञान देना चाहूँगी कि ग्लोबल वार्मिंग इज अ सीरियस इशू। थोड़ा सा देख के एनवायरनमेंट को यूज करो, इट विल बी बेटर फॉर अस। वो पानी यहाँ से आया है, ग्रैंड कैनाल है वेनिस की, ये इसका पानी का जो स्तर है वो बढ़ गया। पहले ये बाहर नहीं था, काफी नीचे था भाई, काफी नीचे था ये, और अब ये एकदम ऊपर आ गया है। वो लेवल की वजह से यहाँ से पानी जो है वो बाहर आ रहा है, एग्जिट कर रहा है। पीछे वो बिल्डिंग काफी अच्छी लग रही, काफी बढ़िया व्यू लग रहा है ना? आई लाइक इट, दिस इज लवली। यहाँ दिन में बहुत ज्यादा भीड़ थी, लेकिन अब काफी बेटर हो गया है, मतलब काफी स्पेस हो गया। अब नहीं लग रहा कि ये इतना ज्यादा टूरिस्टी प्लेस है, बट दोपहर में या मॉर्निंग में जब आप आओ, इतनी ज्यादा भीड़ रहती है, मतलब ऐसा लग रहा था कि चांदनी चौक वाला एरिया है लिटरली। मतलब ये जो पीछे आप पिलर देख रहे हो फ्लाइंग लायन वाला, और ऊपर से मैं वीडियो बना रही थी, इसके आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बट नाउ इट्स बेटर। मैंने पहली बार यूरोप में इतने ज़्यादा टूरिस्ट देखे, क्योंकि जर्मनी में इतने नहीं आते, जर्मनी इतना ज़्यादा टूरिस्टी प्लेस नहीं है। चलो अब मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, एक घंटा है हमारे पास, अभी हमारी जो बस है वो 9 बजे आएगी। और हेलो, क्या क्या नाम है आपके? गौतम, जस्सी, हेलो। आप इंडिया में कहाँ से? पंजाब से है। पंजाब से? पंजाब, मैं दिल्ली से पंजाब। अच्छा, मैं हरियाणा से। हरियाणा से? हाँ, से? बहादुरगढ़। हाँ, दिल्ली के बाहर ही है? हाँ, दिल्ली के पास ही है। सहवाग है जहाँ से? हाँ हाँ, पास में ही है, झज्जर। आपने रोहतक सुना होगा, झज्जर भी सुना ही होगा, रेवाड़ी, झज्जर, बादली, हरियाणा रोडवेज। हाँ सही में, सेम हेयर, बाय। तो यहाँ पे भी हरियाणा के, पंजाब के लोग मिल गए, पंजाब और दिल्ली के। काफी अच्छा लगता है यार, इंडियंस यहाँ पे आके ऐसे बात करें, फील्स गुड। चलो जी, अब मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ। इट वॉज अ वेरी नाइस कन्वर्सेशन गौतम एंड जस्सी, थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द वीडियो। यहाँ नीचे उतर के ना मैंने फोटो खिंचवाई थी आज सुबह, यहाँ पे इस व्यू के साथ। और ये देखो यहाँ पर पानी भर गया है। अभी हम जा रहे हैं वापस, समुद्र को पार करेंगे, यहाँ से पहले बोट लेंगे, फिर बोट के थ्रू हम अपने बस पॉइंट के पास पहुँचेंगे, फिर वहाँ से हम अपनी बस लेंगे, बस लेने के बाद फिर सीधा जर्मनी। और ये हमारे पीछे जो भीड़ आ रही है, ये सारी स्टूडी फाटन की है। हाय बोल रहे हैं लोग। ये अभी शाम का व्यू है यहाँ पे, सी के साथ। मैं अपनी दोस्त को कह रही थी, मैं कहा देखो यार, ये हरिद्वार नहीं लग रहा। लोग इसको बोल रहे हैं कि पेरिस के बाद वर्ल्ड में ये दूसरी सिटी है जो सबसे रोमांटिक है। पर रोमांस जैसा मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। हाँ मुझे लगता है, पर मुझे लगता है पेरिस भी रोमांटिक नहीं होगा, वो बस एक थोड़ी सी ग्लैमरस दुनिया है जो हमें फिल्मों में दिखाई जाती है। बट मुझे नहीं लगता कि वहाँ आईफिल टावर के अलावा और कुछ ऐसा रोमांटिक है। बट हाँ, हमारा नेक्स्ट प्लान पेरिस जाने का है। हम कितनी बुराइयाँ कर ले, हम जाएंगे वहाँ। एक वंडर ऑफ वर्ल्ड जो है वो भी हमें अपनी लिस्ट में ऐड करना है। So, Paris is calling us.
मम्मी उतर गए हैं हम। हम आ गए हैं मनाली। ये है हमारी बस। अलविदा करते हैं, अभी जाके कुछ खाना खाते हैं। आज संडे है और फिर भी देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है। हम मानहाइम आ गए हैं, बट एक प्रॉब्लम है, हमारी जो ट्रेन है वो S2 कैंसिल हो गई है। ठीक है, और भी बहुत सारी ट्रेन है जो कैंसिल हो गई हैं, स्पेशली लुडविगशाफन वाले रूट पे। ये देखो लिखा हुआ है, वेंडलिज्म हो रखा है लुडविगशाफन वाले रूट पे। वेलकम टू जर्मनी। मैं जब भी जर्मनी आती हूँ कुछ ना कुछ नया हो रखा होता है। बहुत सारे ट्रांसफ़र करके तब घर पहुँच पाएंगे हम। मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ लिस्ट, कितनी सारी ट्रेन चेंज करनी है, दो दो तीन तीन घंटे लग रहे हैं, जबकि ये पूरा रूट 50 मिनट्स का है। 11:40 हो रखे हैं। संडे भी जो है हमारा पूरा बर्बाद जाने वाला है। हमने सोचा था कि संडे को आराम करेंगे, बट नहीं, जर्मनी जो है ना हमारा स्वागत करने के लिए। तो यहाँ ट्रेन कैंसिल होना बहुत आम बात है और हम इसके आदि हो चुके हैं। हेलो, नाउ वी आर बैक एट होम। बहुत थक गए हैं, फ्रेशन अप हुई हूँ अभी मैं, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ सो जाऊँ थोड़ी देर। तो या बिफोर दैट आई वॉन्टेड टू टेल यू कि वो हुआ क्या था, वो सीन क्या था कि ट्रेन क्यों कैंसिल हुई थी। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा क्राइम वाला सीन चल रहा था। मानहाइम में ना किसी ने नाइफ अटैक कर दिया था 6 लोगों पे और वो काफ़ी सीरियसली इंजर्ड हो गए थे। एक पुलिसमैन भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है और वो आर्टिफिशियल कोमा में है। एंड जिसने अटैक किया था मतलब ये नाइफ अटैक किया था लोगों पे, वो भी हॉस्पिटलाइज्ड है बिकॉज उसको पुलिस की एक वो लगी थी, गोली लग गई थी। बट आई वॉन्ट डीप डाइव इन टू दिस टॉपिक बिकॉज मैं कोई न्यूज़ रिपोर्टर तो हूँ नहीं कि मैं सारी डिटेल्स में घुस घुस के आपको बताऊँ और सनसनी खेज करके बताऊँ। बट या दिस वॉज द रीज़न हमारा जो 50 मिनट्स का टाइम था मानहाइम से काइजरस्लाउटर्न आने का, वो शायद 2-3 घंटों में तब्दील हो गया बिकॉज अभी बज रखे हैं 3। ये मैं बीच में डाल रही हूँ, मैं इटली से बहुत सारी चीज़ें खरीद के लाई थी, पोस्ट कार्ड्स, की रिंग्स, वो मैं आपको दिखाना भूल गई थी, मैं अभी दिखाती हूँ। ये 2 की रिंग लेके आई हूँ मैं। ये इटली का पूरा मैप है इसमें और ये वेनिस लिखा हुआ है इनकी लैंग्वेज में, वेनेजिया। ये पोस्ट कार्ड जो है स्टूडिफाटर ने दिया मुझे, वो जो कैथीड्रल थी हमारी मिलानो में। ये पीसा, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ये भी उन्होंने दिया है। वेनिस, फ्लोरेंस, ये चारों पोस्ट कार्ड उन्होंने दिए। ये 2 की चेन मैंने खरीदे हैं 1.5 यूरो के आसपास और ये सब तो मेरे ख्याल से 1 यूरो के आसपास आते हैं। और मैंने अलग से ये वाला पोस्ट कार्ड खरीदा था, ये भी 1 यूरो का है। ये वाला वो फेमस ब्रिज है, रियाल्टो ब्रिज। इसके अलावा मैंने एक और खरीदा था, ये वाला। सो यस, दिस वॉज अबाउट माई शॉपिंग। मुझे ये पोस्ट कार्ड कलेक्ट करना बहुत पसंद है। दिस वॉज माई इटली ट्रिप। काफ़ी अच्छा लगा मुझे वहाँ घूम के। 3 दिन वहाँ कैसे चलेगा पता नहीं चला। तो यहाँ द ट्रिप वॉज रियली नाइस। स्टूडिफाटर्न के साथ हम गए थे, तो अगर आप लोग भी जाना चाहो आप जा सकते हो। इनिशियली अगर आप यूरोप में इतना नहीं घूमे हो और आपको इतनी नॉलेज नहीं है कि कहाँ से क्या करना है, तो स्टूडिफाटर्न इज़ द राइट प्लेस। बट हाँ, मुझे एक प्रॉब्लम रही थी, मुझे बस काफ़ी अनकंफर्टेबल लगी थी। रिक्लाइन सीट्स थी, बट हमारी जैसी हाइट के बंदों के लिए सारा टाइम घुटने मोड़ के रखे थे मैंने, घुटने सीधे हुए ही नहीं, क्योंकि मुझसे आगे जो बैठे हुए थे वो इंडियन पेरेंट्स थे, मतलब काफ़ी एज्ड लोग थे। तो अब मैं उनको नहीं बोल सकती कि भाई तुम अपनी सीट आगे करो, बिकॉज आई अंडरस्टैंड द पेन, क्योंकि उनके नी में पेन रहता है। मूव भी लगा रहे थे वो, जैसे ही बस में बैठ रहे थे तो मूव वगैरह लगा रहे थे। तो देन आई वाज लाइक चल ठीक है, बर्दाश्त कर लेंगे। बट या आई थिंक दिस इज़ द वन थिंग दैट दे कैन चेंज इन देयर ट्रिप, कि बस थोड़ी सी कंफर्टेबल हो। अदरवाइज़ होटल काफ़ी अच्छा था, टाइम टेबल इनका सही था कि टाइम पे ले जा रहे हैं, टाइम पे वापस ला रहे हैं, बाकी सब चीज़ें ठीक थी। होटल में ब्रेकफास्ट वगैरह मिल रहा था, बट हाँ
दिस इज़ द पार्ट वेयर आई डिडंट लाइक इट. आई होप आपको इटली घूमना पसंद आया होगा, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा. और आगे भी मैं ट्रिप प्लान कर रही हूँ अपने पेरिस का, और शायद एम्स्टरडेम भी जाऊँ, नॉट श्योर. ठीक है, तो फिलहाल पेरिस लिस्ट में है, पेरिस इज कॉलिंग अस. आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो. Thank you so much for the support. See you in the next video. Bye.